नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। आज हम बात बाबाओं की करते हैं, और यदि मैं यह कहूं कि बाबाओं के बाप की करते हैं तो शायद वह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा भी बाबा इस हिंदुस्तान का है जो यह अपने सॉफ्टवेयर में दावा करता है कि गाय, बैल और बंदर ये तमिल बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे। तो आज हम ऐसे ही बाबा की एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो भगोड़ा बाबा हिंदुस्तान का है, बाबा नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा। ये कहानी जब 2010 में एक सीडी विभिन्न राज्यों में आई, पूरे देश में आई, तो ये बात उजागर हुआ कि एक ऐसा बलात्कारी बाबा भी है, एक ऐसा बाबा जिसके ऊपर अश्लील हरकतों का इल्ज़ाम लगा है। धीरे धीरे बात फैलती गई, बाबा के ऊपर केस हुआ और बाबा कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद अचानक एक दिन हिंदुस्तान से गायब हो गया। जहां तक बात हम करें बाबाओं की, तो लगभग सारे बाबा अपने कारनामों के बाद कोर्ट से सजा याफ्ता हुए और उन्हें सजा के दौरान किसी न किसी जेल का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बाबा नित्यानंद एक ऐसा बाबा था जिसने पूरे कानून को ठेंगा दिखाते हुए इस देश से बाहर एक दुनिया ही बना ली। इस दुनिया में, इस पूरे संसार में एक आइलैंड खरीद लिया और एक नया देश बनाया जिसमें उसने कैबिनेट बना लिया और मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने का इंतजाम कर दिया। वहाँ रहने वाले लोगों को इन सब का कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। हम आपको बता दें कि कैलाशा नाम का यह देश लैटिन अमेरिका के एल सेल्वाडोर के ठीक बगल में एक आइलैंड के रूप में है। अब यह जान के आपको ताज्जुब होगा कि यह हुआ कैसे, नित्यानंद ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया, जबकि वह बलात्कार का आरोपी था, देश का भगोड़ा मुजरिम था, लेकिन उसने एक देश ही बना लिया, एक देश ही खरीद लिया। दोस्तों, यह बात 2010 में की है, अर्थात 2010 में यह केस आया ट्रायल के लिए। बाबा के ऊपर केस भी हुए। 12 में बाबा जब ट्रायल चल रहा था तो इन्हें कुछ दिनों के लिए जमानत मिल जाती है। ट्रायल के दौरान वो आते जाते रहे। दिसंबर 2018 में जब कोर्ट के पेशी की बात आती है तो बाबा नदारद हो गए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाबा ने शायद नेपाल का रास्ता अपनाया और नेपाल के रास्ते से होते हुए वह चले गए जहाँ पर भारतीय कानून की पहुँच नहीं हो पा रही है। जबकि यह बात भी जिगर है कि उनका पासपोर्ट लैप्स हो रहा था सितंबर 2018 में, लेकिन उसके बावजूद भी वह जब रेनुअल के लिए अप्लाई किया तो कोई रेनुअल नहीं हो सका। पासपोर्ट के कार्यालय ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि इसका रेनुअल नहीं हो सकता है क्योंकि बाबा के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बावजूद भी बलात्कारी बाबा फरार हो जाते हैं। दोस्तों, यह बात और भी चौंकाने वाली है कि इस बाबा के लाखों फॉलोअर्स हैं, काफ़ी भक्त हैं, और ये भक्त यह दावा करते हैं कि बाबा एकदम चमत्कारी हैं। उन्होंने 10 मिनट के लिए सूरज को उगने से रोक दिया। ऐसा एक वीडियो के जरिए, एक वायरल वीडियो के जरिए यह बात सामने हुई, लेकिन यह दावा निश्चित विज्ञान को झूठा साबित करने वाला था। यह गलत था और इस बात को बड़े तेज़ी से प्रचारित किया गया। फिर उसके बाद यह कहा जाने लगा कि कैलाशा में उन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित करना शुरू कर दिया है और इस सॉफ्टवेयर में वहाँ पे गाय, बंदर ये सब भी तमिल बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे। वहाँ हिंदू होना अनिवार्य है, वहाँ के लिए पासपोर्ट मिलते हैं, वो पासपोर्ट जारी करता है बतौर पूरा कैबिनेट है। वहाँ करेंसी जारी की जाती है, उनके अपने मुद्रा, अपनी कानून, अपनी सब कुछ व्यवस्था है, और वह हिंदुस्तान का भागा हुआ एक अपराधी है, एक सजा याफ्ता मुजरिम है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़।